बागली तहसील के इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे मार्ग पर काली सिंध नदी के पुल पर शुक्रवार रात 12 बजे एक ट्रक पुल से नदी में गिर गया। गिरते ही ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक नेमावर से बालू रेत भरकर इंदौर की ओर जा रहा था। काली सिंध नदी का पुल पार करते समय असंतुलित होकर नदी के पुल से ट्रक नदी में गिर गया। ट्रक के गिरते ही अचानक से आग लगना शुरू हो गई। देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया। हादसे में ट्रक चालक वह हेल्पर आग की चपेट में आने से झुलस गए। हालांकि राहगीर और स्थानीय गांव के लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। जानकारी लगते ही बागली थाना प्रभारी जयराम चौहान और 100 डायल 108 घटनास्थल पर पहुंचे और घायल हेल्पर ड्राइवर को 108 की मदद से उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।